साथियों, आप सड़क सुरक्षा पर भाषण देने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें। सबसे पहले संबोधन और विद्यालय है तो आदाड़ी प्रधानाचार्य शिक्षक गण मेरे प्यारे भैया बहनों, और यदि आप किसी जनसभा में हैं, किसी समुदाय में हैं, तो बोलेंगे हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और साथ ही जो भी कार्यक्रम के आयोजक हैं और दर्शक, उनको धन्यवाद देकर आप अपनी बात शुरू करेंगे। सबको नमस्कार। और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, अपने विचार रखने जा रहा हूँ, जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ काफ़ी प्रचलित मुद्दा है। सड़क सुरक्षा पिछले कई सालों से एक बड़ा विषय रहा। हर साल वाहनों और यातायात नियमों का पालन ना करने से होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या काफ़ी निराशाजनक है, और इस प्रकार लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए सड़क सुरक्षा कानूनों का अवश्य पालन करना चाहिए। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश में 2021 में करीब 4,22,000 यातायात दुर्घटनाओं में 1,73,000 लोगों की जान चली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 24,711 मौतें हुई, उसके बाद तमिलनाडु। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यातायात दुर्घटनाओं की संख्या 2020 में जो थी उससे बढ़ गई है 2021 में। सड़क दुर्घटनाएं, साथ ही रेलवे क्रॉसिंग की दुर्घटनाएं, जिसमें 2020 से 2021 तक राज्यों में यातायात दुर्घटना के मामले में संख्या में सबसे अधिक वृद्धि तमिलनाडु में दर्ज की गई, और इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ये वृद्धि है जो पहले से। दुर्घटनाओं से बच पाएंगे जब नियमित सीट बेल्ट लगाएंगे। हम दोपहिया वाहन चलाते हैं, सिर्फ बैठने से मतलब है, लेकिन जो मानक हैं, जो रूल्स हैं, उसका पालन ही नहीं करते, सीट बेल्ट का प्रयोग ही नहीं करते। माता पिता को अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में ये बातें सिखलानी चाहिए, कि उनके दिमाग में ये बात भर देनी चाहिए, विचार पैदा होने चाहिए कि सड़क सुरक्षा की जो नियम, उनको आदत में बदल लें। यदि वयस्क नियमों को तोड़कर उनका अनादर करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं, तो उनके सामने कभी भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ना करें। जिसके कई तरीके हैं सड़क सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति को हमेशा सड़क पार करने से पहले सभी दिशाओं में जांच करनी चाहिए, दोनों दिशाओं में। कभी कभी हम एक ही दिशा में देखते हैं, सड़क पार करते हैं, और काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और जिसके लिए मुझे बाद में पछतावा हुआ, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कभी कभी लोग फोन कॉल करते हैं और गाड़ी चलाते समय फ़ोन का प्रयोग करते हैं, ये बड़ा ही खतरनाक तरीका है। फ़ोन पर बात करते करते उनका दिमाग फ़ोन पर केंद्रित होता है, और सड़क पर चलते समय उनका ध्यान ही नहीं रहता और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ट्रैफिक लाइट लाल होने पर भी लोग सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कि अब इस डिजिटल युग में चालान भी बहुत तेजी से होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे, लेकिन हर बात हमें खुद पर भी सोचनी चाहिए। सड़क पर वाहन नहीं होते, इस तरह के व्यवहार से अक्सर गंभीर चोटें आती हैं, क्योंकि कभी कभी एक कार अचानक से टकरा कर आ सकती है और वे सड़क के बीच में होंगे। यातायात नियमों का पालन हर हाल में करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। लोग रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक के नीचे से निकलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल ना केवल ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद करते, बल्कि पैदल चलने वाले और गाड़ी चलाने वाले लोगों को भी बचाते। और हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि जितनी भी दुर्घटना उतनी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो पैदल चलने वाले, वो देखते नहीं सड़क को पार करते हैं, और तब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। आपका भविष्य आपके हाथ, हेलमेट सदा रखे साथ। लोगों के पास हेलमेट है, लेकिन वो घर में रखने के लिए, वाहन चलाएंगे तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों का कारण बहाना सुना कि बाल खराब हो जाएंगे। यदि आप दोपहिया वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो हेलमेट अवश्य पहनें। माता पिता अपने बच्चों को सड़क पर अकेला न छोड़ें। कम दूरी की यात्रा करते समय लोग अक्सर अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाते, ये पहले ही बात की। जहां यात्रियों को चोट लगती है यात्रा के दौरान, हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, और यदि बड़े होकर स्वयं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बच्चे भी उनका पालन करना नहीं सीखेंगे। अभी बच्चे आपके बगल में बैठे हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो आपसे सीखेंगे। अपने बच्चों को नियम सिखाने के लिए कुछ समय निकालें और खुद करके बताएं। सिर्फ समझाएं ही नहीं,
खुद भी उसका पालन करें। हम बच्चों से कह रहे मोबाइल का फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए सड़क पर, और खुद कर रहे तो कोई फायदा नहीं। आंकड़े कहते हैं कि सड़क हादसों से ज़्यादातर युवा प्रभावित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं, वे स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। युवाओं को अक्सर हेलमेट पहनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, कभी कभी अपने वाहन पर बेतरतीब तरह से बैठते हैं और चलाते हैं। बच्चे बस में जब बैठते हैं, वाहन में बैठते हैं, तो अपने हाथ कोहनी बाहर निकालते हैं, उनको इस बात के लिए रोके। और हाँ, एक सेल्फियाना युग चला है, लोग सेल्फी, वाहन चलाते समय सेल्फी लेते, ट्रेन में यात्रा करते समय सेल्फी लेते हैं, और उसके बाद पता भी नहीं चलता कि वो किस दुनिया में चले गए। वाहन चलाते समय इस घटिया हरकत से बचे। इस प्रकार सड़क सुरक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए और सुरक्षित और स्वस्थ रहने का उपदेश, संदेश, और यदि आपसे छोटे हैं तो उनको आदेश भी देना चाहिए। खुद जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में, हम चाहें तो दुर्घटना का शिकार बने या फिर सुरक्षित रहे, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो मजबूरी, सड़क सुरक्षा बहुत जरूरी। जानता है देश का हर एक बच्चा, सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा। जय हिंद, जय भारत।